इनकी का गरबा क्लासेस। 5 दिन में नवरात्रि आने वाली थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। गट्टू चिंकी ड्राइंग रूम में खड़े होके गरबा प्रैक्टिस कर रहे थे और मम्मी किचन में नवरात्रि में बनने वाले स्पेशल खाने का सामान निकाल रही थी। अरे गट्टू, ये क्या कर रहे हो? देखो मुझे और ठीक से सारे स्टेप्स फॉलो करो। 1 2 3 राउंड राउंड क्लैप क्लैप। ओहो, वैसे ही तो कर रहा हूँ चिंकी, राउंड क्लैप राउंड क्लैप। नहीं गट्टू, तुम गलत कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से मुझे फॉलो करो। ऐसे करोगे तो अच्छे से सीख नहीं पाओगे, फिर कैसे नवरात्रि में अच्छे से गरबा कर पाओगे? हाँ चिंकी, मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ, अब हर कोई तुम्हारी तरह गरबा एक्सपर्ट भी तो नहीं हो सकता ना। गट्टू, तुम तो जानते ही हो ना कि चिंकी डांस को लेकर कितना सीरियस है। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें चिंकी से गरबा सीखना है, तो अब मैनेज करो अपनी स्ट्रिक्ट गरबा टीचर के साथ। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे मम्मी, अगर मुझे पहले पता होता कि चिंकी इतनी स्ट्रिक्ट होने वाली है तो मैं उससे सीखता ही नहीं। चलो चलो गट्टू, बातें मत करो और मुझे ठीक से फॉलो करो। तभी कॉलोनी के कुछ बच्चे और सेक्रेटरी अंकल घर पे आते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आइए आइए, कैसे आना हुआ आपका? अरे देखिए ना, ये बच्चे जिद पकड़ के बैठे हैं कि इस बार नवरात्रि पे एक प्रॉपर गरबा नाइट ऑर्गेनाइज किया जाए। हर बार तो हम लोग थोड़ा बहुत गरबा कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर गरबा नाइट के लिए तो अच्छा खासा गरबा आना चाहिए ना, और इतना अच्छा गरबा भला हम बड़ों को कहाँ आता है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना, अब आप ही समझाइए इन बच्चों को। बच्चों जिद मत करो, हम बड़े लोग इतनी जल्दी कैसे इतना अच्छा गरबा सीख पाएंगे, भला कौन सिखाएगा हमें? मम्मी और सेक्रेटरी अंकल मिलकर बाकी बच्चों को समझा रहे थे कि तभी गट्टू बोल पड़ता है। अरे मम्मी, अपनी चिंकी है ना स्ट्रिक्ट गरबा टीचर। सभी लोग गट्टू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। ओ, अब मैं? अरे नहीं, मैं कैसे? मैं बड़ों को कैसे गरबा सिखाऊंगी गट्टू? तुम्हें सिखाना एक अलग बात है। अरे इसमें क्या अलग? देखो, कॉलोनी में सबको पता है कि बच्चा हो या बड़ा, सबसे अच्छा गरबा तो चिंकी ही करती है, और तुम इतनी स्ट्रिक्ट हो और इतना सिंसियरली गरबा सिखाती भी हो कि सबको आ जाएगा, ये तो आपने मम्मी अभी देखा ना। ये सुनकर मम्मी सोचने लगती है और वो भी चिंकी को गरबा सिखाने के लिए मनाने लगती है। हाँ, मैंने भी ये सुना है कि कॉलोनी में सबसे बेस्ट गरबा तो चिंकी ही करती है, तो क्या चिंकी बेटा तुम हम सबको गरबा नाइट के लिए रेडी करोगी? सबकी बात सुनकर चिंकी कुछ सोच में पड़ जाती है, पर फिर गट्टू और मम्मी की आंखों में उसके लिए जो कॉन्फिडेंस था उसे देखकर चिंकी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो आज शाम से ही सबकी प्रैक्टिस शुरू। सारे लोग शाम को कॉलोनी के पार्क में मिलेंगे और कोई भी लेट नहीं करेगा। देखा मम्मी, स्ट्रिक्ट चिंकी अपने फॉर्म में आ गई है। सारे लोग इस बात पे हंस पड़ते हैं। फिर क्या था, शाम से ही चिंकी की गरबा क्लासेस शुरू हो जाती है। सारे लोग चिंकी के बताए टाइम पे पार्क में इकट्ठे होते हैं। लो चिंकी बेटा, सब लोग आ गए हैं, बताओ अब हमें क्या करना है? आप सब लोग एक सर्कल बना लीजिए, मैं सेंटर में खड़े होकर आप सबको गाइड करती जाऊंगी, और सब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी गैप पे खड़े होना, तभी आराम से स्टेप्स फॉलो हो पाएंगे। सब लोग सर्कल बना लेते हैं। गरबा के लिए आपको अपनी बॉडी एकदम फ्री छोड़नी होगी, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन बिल्कुल भी फोर्स मत करिएगा, जितना आपसे हो सके उतना ही बेंड होना है। ओके चिंकी। अब आप लोग मुझे देख के ये स्टेप्स करने की कोशिश करिए। 1 2 क्लैप क्लैप राउंड। फिर चिंकी कुछ स्टेप्स करती है और सब उसे फॉलो करते हैं। 1 2 क्लैप क्लैप राउंड। ऐसे ही चिंकी रुक रुक के कई स्टेप्स करती है और सबको ध्यान से ऑब्जर्व करती है। मुझे लगता है कि हमें 2 अलग अलग टीम्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप सब में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आराम से स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ओहो चिंकी, तुम तो कितने अच्छे से सबको ऑब्जर्व कर रही हो। हाँ मम्मी, तो अब मैं जिस चीज का नाम लूँ वो दूसरी तरफ आके खड़ा हो जाए। फिर चिंकी काफी सारे लोगों को एक एक करके बुलाती है
और पापा और गट्टू भी उसी टीम में थे। मम्मी दूसरी टीम में थे जिसमें लोग आराम से डांस कर ले रहे थे। अब मैं दोनों टीम्स को अलग अलग तरह से गरबा सिखाऊंगी, ओके? फिर चिंकी सबको एक एक करके डांस सिखाती है। देखिए आप लोग अच्छा गरबा कर ले रहे हैं, आपको बस सारे स्टेप्स याद करने हैं और खूब प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप लोगों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है और साथ में स्टेप्स याद करके खूब प्रैक्टिस करनी है। सब चिंकी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, तो हम रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे ताकि गरबा नाइट पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर इसी तरह चिंकी रोज अपनी बनाई हुई दोनों टीम्स को एक एक करके गरबा सिखाती है। फिर गरबे के ठीक 1 दिन पहले वो सबको गरबा सिखाने के बाद उनसे कहती है, अब आप सब लोग कल की गरबा नाइट के लिए एकदम रेडी है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी बेटा, अगर तुमने हमें सिखाया ना होता तो इतना बढ़िया गरबा इतने कम टाइम में कैसे सीख पाते। हाँ चिंकी, थैंक यू। वेलकम। अगली रात को सब लोग घाघरा चोली और पैजामे कुर्ते में कॉलोनी में ऑर्गेनाइज गरबा नाइट में आते हैं। ओहो मम्मी, आज तो सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सच में नवरात्रि की धूम ही कुछ ऐसी होती है। हाँ गट्टू, सही कहा तुमने। अरे मम्मी, ये चिंकी और पापा कहाँ रह गए, दोनों कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो देखो गट्टू, पंडाल के बाहर देखो, वो रहे दोनों, दोनों अपनी लास्ट मिनट गरबा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओहो क्या बात है। रुकिए मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। 1, 2, राउंड, क्लैप क्लैप। चलिए पापा, चलो चिंकी, अब फाइनल परफॉर्मेंस की बारी है, बहुत हो गई प्रैक्टिस। गट्टू सही कह रहा है पापा, चलिए। फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डीजे स्पीकर्स पे गरबा म्यूजिक प्ले कर देता है। सब लोग गरबा म्यूजिक पे थिरकने लगते हैं और साथ में खूब मजे करते हैं। इसी के साथ गट्टू चिंकी और कॉलोनी वालों की गरबा नाइट कंप्लीट होती है।